से रिलेटेड हर खबर जानने के लिए खबर पर नजर को फॉलो करिए। इंदौर और मध्य प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए और लॉकडाउन की हर खबर जानने के लिए कोरोना बुलेटिन की सब बने रहिए। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करिए। धन्यवाद। इंदौर की कोरोना काल में इंदौर के सभी मंदिरों के पट बंद है और इसमें आप देख सकते हैं इंदौर के खजराना में यहां पर चारों तरफ सन्नाटा है, जहां पर बुधवार के दिन हजारों की तादाद में भक्तों की लाइन लगी रहती है और मंदिर प्रसाद बांटने वालों और लेने वालों की हाय तौबा मची रहती है। पाकिट में गाड़ियों की पूजा हो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय गणेश। आज बुधवार का दिन है और गणपति जी का दिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कर्फ्यू का सन्नाटा है, क्योंकि कर्फ्यू के द्वारा लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और काफ़ी समय से एक तरह से मंदिर प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया जाता है। इंदौर में कोविड सेंटर में आपने जो नाम सुना है, वहाँ पर दवाई की जो पहली जो खेप निकली थी वो मंदिर प्रशासन की तरफ से दान की गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सन्नाटा है, क्योंकि आज बुधवार के दिन यहाँ पर इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो चरण गणपति जी है ये सबसे प्रसिद्ध है। और वैसे ही गणपति जी का नाम वैसे ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि कुछ भी शुभ कार्य किया जाता है सबसे पहले गणपति जी को ही भोग लगाया जाता है और उनसे ही विनती की जाती है कि कोई भी काम निर्विघ्न हो। तो आज हम भगवान गणपति जी से ही आशीर्वाद मांगने आए हैं कि कैसे भी करें और ये कोरोना की जो महामारी खत्म करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोरोना के काल के पास पूरा बाजार सन्नाटा पड़ा है, चारों तरफ सन्नाटा है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आवाजाही के जो कॉलोनी में रहवासी है आसपास रहने वाले वही कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ निराशित और कुछ लोग जरूर है जो यहाँ पर बैठे हैं और जो अपना जीवन यहाँ पर किसी भी तरह से कर रहे हैं। और साथ ही यह जो इनका जो जीवन यहाँ पर है, यहाँ पर जो सामाजिक संस्था है उनके द्वारा कुछ न कुछ इनको दान है जो भी लगता है वो दिया जाता है, उसकी वजह से ये इनका कुछ कामकाज चल रहा है। क्या नाम है दादा आपका? डिग्री लाल। अच्छा डिग्री लाल जी, आप यहाँ आपका यहाँ खान पान कैसे चलता है? और जो कोई आता है तो दे जाता है। अच्छा, काम धंधा तो चल नहीं रहे, काम धंधा करते क्या काम करते हो? मिस्त्री का काम करता हूँ, लेकिन आपको काम धंधा भी चलता होगा यहाँ पर क्या? अब यही है जो भी है वो 10-15-20 लोग। क्या नाम है दादा आपका? आपको अच्छा, तो देखा आपने यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं उनको खाने पीने के लेकर काफी चीजें समस्या है और मंदिर तो एक तरह से वीरान पड़ा है। पिछले लॉकडाउन में भी यहाँ पर पूरे मंदिर प्रशासन ने चारों तरफ से बंद कर दिया गया था, चारों तरफ यहाँ पे जो दुकानें हैं बिल्कुल बंद है। और यदि जल्द से जल्द प्रशासन की जो कोरोना का है इसको यदि काबू नहीं किया गया तो जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों की जो जिस प्रकार से लोगों को तकलीफ है वो तकलीफ बढ़ती जा रही है, उसको प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके ये जो महामारी है इसको प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इस बीमारी को दूर हो सके और जल्द से जल्द भगवान के दर्शन हो। तो मेरा वो सबसे से निवेदन है कि कृपया कर घर पर रहे, मास्क का बिल्कुल उपयोग करें, कहीं भी आ जाए तो मैं खबर पर नजर से परिवर्तन न्यूज चैनल से शैलेंद्र श्रीमान, संजय नजान, प्रतीक वर्मा, मनोनिशा व्यास और हमारे सहयोगी प्रसंग जोशी की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है? तो आज ही लगाएं नई टेक्नोलॉजी वाली कान की मशीन मात्र 1600 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, कान की मशीन 1600 रुपए में। अभी ऑर्डर करें कान की मशीन। क्या आपको आपके परिवार में किसी को बवासीर, भगंदर, मसी की समस्या है? जलन व दस्त से मुक्ति पाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और आज और अभी कॉल करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।